वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब, मेरा नाम वजाहत है, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। तो यार, वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडियन रोड्स वर्सेस अमेरिकन रोड्स 2021। तो आज हम देखेंगे इंडिया और अमेरिका के रोड्स का कंपैरिजन 2021 में, मतलब कैसा रोड, कौन से कैसे रोड है। तो जल्दी से वीडियो देखते हैं। मिस्टर कमरान का वीडियो, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत ही ऑसम किस्म की वीडियोस बनाते हैं। तो काउंट डाउन करते हैं, स्टार्ट। अगर हम एक डेवलपिंग कंट्री और एक डेवलप्ड कंट्री में डिफरेंस को देखें तो हमें सबसे बड़ा डिफरेंस वहां के रोड्स में नजर आता है। लोगों का ये भी कहना है कि एक कंट्री को सबसे ज्यादा स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की जरूरत होती है, लेकिन जिस तरह कंट्री को स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की जरूरत होती है, वैसे ही उस कंट्री को रोड्स की भी जरूरत होती है। सही कहा। तो आज की इस रोड नेटवर्क कंपैरिजन वीडियो में आप सभी का वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इंडियन रोड नेटवर्क को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रोड नेटवर्क के साथ। सब्सक्राइब करें मिस्टर कामरान चैनल को और प्रेस करें साथ वाले बेल आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टाइम से रोड नेटवर्क साइज की रैंकिंग में यूएसए का नंबर 1 है, और अगर रोड क्वालिटी को देखा जाए तो यूएसए का रैंक 17 है। यूएसए के रोड नेटवर्क की फाउंडेड डेट 1811 है। हाँ भाई, पहले आजाद हुआ था। यूएसए में टोटल रोड नेटवर्क लेंथ 68,53,024 किलोमीटर है। बहुत है यार। इंडिया रोड नेटवर्क साइज की रैंकिंग में नंबर 2 पे है, नंबर 2 और रोड क्वालिटी की रैंकिंग में नंबर 46 पे है। अच्छा, है मतलब करीब करीब ओवरव्यू इन यूएसए। यूएसए में 81,000 किलोमीटर का इंटरस्टेट हाईवे नेटवर्क है। अच्छा, 21,00,000 किलोमीटर के अनपेव्ड रोड्स हैं, 40,00,000 किलोमीटर के पेव्ड रोड्स हैं, और इसके अलावा 15,000 किलोमीटर का काउंटी हाईवे नेटवर्क है। काउंटी हाईवे, इंडिया में 101,011 किलोमीटर का नेशनल हाईवे रोड नेटवर्क है। 176,166 किलोमीटर का स्टेट हाईवे रोड नेटवर्क है। इंडिया काफी तरक्की कर रहा है। 561,940 किलोमीटर का पीडब्ल्यूडी रोड नेटवर्क है। 39,35,337 किलोमीटर का रूरल रोड नेटवर्क है। 509,730 किलोमीटर का अर्बन रोड नेटवर्क है। 319,109 किलोमीटर का प्रोजेक्ट रोड नेटवर्क है। प्रोजेक्ट रोड मतलब जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक्सीडेंट ओवरव्यू इन यूएसए, अभी पता लगेगा। 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक यूएसए में टोटल 300 मिलियन व्हीकल्स हैं। लास्ट ईयर यूएसए में 890,000 एक्सीडेंट रिकॉर्ड किए गए। यूएसए में ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से 34,500 टोटल डेथ्स रिकॉर्ड की गई थी। अच्छा, व्हीकल्स एंड एक्सीडेंट ओवरव्यू इन इंडिया। इंडिया, I think इंडिया में नहीं होगा। के मुताबिक इंडिया में 258 मिलियन टोटल व्हीकल्स हैं। करीब करीब हैं। और लास्ट ईयर इंडिया में 10,86,000 टोटल एक्सीडेंट्स रिकॉर्ड किए गए। ज्यादा हुए ना, 10 लाख। और लास्ट ईयर इंडिया में ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से 177,000 टोटल डेथ्स रिकॉर्ड ज्यादा हुए हैं और डेथ भी। वहाँ पे रूल एक चलता है कि स्पीड लिमिट्स इन यूएसए, इधर कोई भी स्पीड बहुत मार। हाँ, यूएसए में फ्रीवे पे 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है हैवी व्हीकल्स। अच्छा। और बसेस के लिए, और 130 किलोमीटर की स्पीड लिमिट्स है कार्स के लिए। अच्छा, इसके अलावा यूएसए में हाईवे पे 110 से लेकर 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है। बहुत है भाई, मतलब उनका एक्सप्रेस वे शायद। इंडिया 120 सुपर नहीं होगी, 80 किलोमीटर पर आवर से लेकर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है। इसके अलावा इंडिया में हाईवे पे 70 किलोमीटर पर आवर से लेकर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट्स हैं। दोनों पे 120 है ना, सेम इधर भी यही कहानी है, इधर भी यही है। यूएसए रोड नेटवर्क, यूएसए के रोड्स फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाना और ड्राइवरलेस कार्स के लिए रोड की 3D मैपिंग करना शामिल है। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स इन इंडियन रोड नेटवर्क,
इंडिया में रोड्स के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में पूरे इंडिया में एक्सप्रेस वेज का जाल बिछाना, रोड्स की क्वालिटी को पहले से बेहतर करना, रूरल और अर्बन रोड नेटवर्क को एक्सपेंड करना और रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए ट्रैफिक लॉज को स्ट्रिक्ट करने जैसे। यार रोज अगर लोग फॉलो करें कम हो एक्सीडेंट। तो ये थी हमारी आज की रोड नेटवर्क कंपैरिजन वीडियो जिसमें हमने काफी इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग है मिस्टर कमरान का वीडियो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रोड नेटवर्क के साथ। इसी के साथ तो ये वीडियो खत्म है यार। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो यार बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो थी। क्यों मुबशर एक बात तुझे मैं बताऊं, रोड नेटवर्क के लिहाज से इंडिया बहुत तेजी से आगे जा रहा है अमेरिका से। यार तुझे एक बात बताया जाए ना, मतलब चल अभी डेवलपिंग है इंडिया यार मुबशर, लेकिन मैं तुझे एक बात बताता हूँ, अमेरिका के आजाद हुए कितना टाइम हो गया, 200 साल। चल बने इनके आसपास से रोड, लेकिन तो राज तो ब्रिटिश का था ना, मतलब ब्रिटिश वो वाले रोड बनाता था उस टाइम ना, क्या अपने काम के जो टाइम पे होते थे वो तो रोड नहीं थे ना, वो तो रोड नहीं थे, वो रोड थी जब वो मतलब ब्रिटिश ने बनाए थे। वो तो जब कंट्री अपने अब तो अपने लिए जो चीज लेता है वो अच्छी लेता है ना, अब दूसरे के लिए तू लेगा जो सीधी सी बात। हाँ अगर दिल में मेरे को खोट ना हुआ, मैं दिल में ना हुआ ना, तो उनके दिल में खोट ही था ना। सही कहा, लूट उल्टा लेके गए और बकाया। अब जब बात करते स्पीड लिमिट्स की, यहाँ पे अगर 130-140 और रोक लेते आगे स्टॉप का बटन लगा के, और अमेरिका में 160 स्पीड के लिहाज से अमेरिका में बड़ा मजा आता होगा गाड़ी चलाने में। 160 अलाउड है और इधर 120 तक। वैसे यार मतलब इधर वो उस लिहाज से किया हुआ है एक्सीडेंट के लिहाज से, लेकिन ये है ना मुबशर अगर इंडिया में रूल्स फॉलो होना एक्सीडेंट्स कम। हमारे यहाँ यार क्या हमारे यहाँ इधर रूल्स नहीं कोई फॉलो करता, इसमें कोई शक नहीं है, अजीब अजीब कट्स मारते हैं अंदर से लेकर जा रहे हैं यार मुबशर। अगर अमेरिका में बाइक्स अवल तो है नहीं इतने, अगर है तो उनकी एक लाइन होती है, एक लाइन में चलते हैं। हमारे यहाँ ये गाड़ी के आगे से यूं गुजरेंगे, एक यूं गुजरेगा, गाड़ी में बैठा हुआ भी सो अंदर, अब वो बाइक गालियां देगा। और इंडिया में मुबशर मैं तुझे इंडिया और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो मरने वालों की वजहत है वो बाइक की है, बाइक की वजह से बहुत लोग बाइक की वजह से बहुत डेथ होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और यार क्वालिटी देखी जाए ना, इंडिया की 46 थी जो कि मतलब इतनी बैड नहीं थी। नहीं बैड यार, 200 कंट्रीज में अभी स्लो स्लो और भी इम्प्रूव इंडिया कर रहा है क्वालिटी को। जाहिर बात है अब टाइम लगेगा क्योंकि आजाद हुए भी टाइम थोड़ा कम ही हुआ है यार, क्या 75 साल आजाद हो, मतलब 75 नहीं 74 साल इतने हो गए, और अमेरिका के 200 साल हो गए। तो यार उस लेवल पे पहुंचने के लिए टाइम की दरकार जरूरत है। अगर फिर भी उस लिहाज से काफी तेज कार है, दूसरे नंबर पे ऑलरेडी दुनिया का नेटवर्क है, और अभी जो इनके नेटवर्क चल रहे 3.5 लाख और प्रोजेक्ट चल रहे, तो खुद अंदाजा लगा ले। तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंपैरिजन था, आप इस पे क्या सोचते हैं अपनी राय में कमेंट सेक्शन में। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।